हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेगमेंट में हम लोग जिक्र करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट का जो रैंक है, एमएससी की बात करेंगे हम इस वीडियो में। केवल व केवल मास्टर्स की बात करेंगे, क्योंकि एमएससी वाले हमारे जो भैया लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि आप हमारे लिए कुछ नहीं बनाते हैं वीडियो। रैंक चॉइस फीलिंग आपका 14 तारीख से, 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है काउंसलिंग। इसमें आपको चॉइस फीलिंग कैसे भरना चाहिए, कैसे नहीं भरना चाहिए, इस पर हम ज़्यादा नहीं 5-7 मिनट का एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, एमएजी ग्रुप में इसमें क्या है, जो एमबीए भी दिए हैं या एबीएम दिए हैं, आप दोनों काउंसलिंग में यदि दोनों भरे हैं, दोनों का अलग अलग पेमेंट कटा होगा, दोनों यदि कराना चाहते हैं तो करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एबीएम वालों में देखिए, इसका 250 रैंक है, 250 इनका सिलेक्शन तीनों यूनिवर्सिटियों में हो जाएगा, फ्री पेड एनआरआई सीट पे नहीं, फ्री और पेड दोनों सीटों में हो जाएगी, इनके लिए बात खत्म हो गई। एमएजी की बात करते हैं, तो एमएजी देखिए आपकी यदि दो चीज़ यहाँ पर देखा जाता है, एक तो ओवरऑल यूआर रैंक, मतलब ओवरऑल रैंक, दूसरा कैटेगरी रैंक, दो चीज़ों को आपको देख करके कंपटीशन यहाँ पर मतलब थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। देखिए सीएसए यूनिवर्सिटी के लिए रैंक ये एक्सपेक्टेड है, नॉट एग्जैक्ट, एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट रैंक से लेकर के आपका 300 यदि जनरल रैंक है यूआर में है तो आप सीएसए यूनिवर्सिटी में दाखिला लीजिए, ठीक है। फिर 300 के बाद आप 600 में हैं, 600 में हैं तो ये आपको एनडीयूटी भरेगी ऑल सब्जेक्ट। फिर 600 के बाद हैं, इसको दो चीज़ में मैं बताऊँगा, 600 से 900 के बीच में है, अब बाकी 900 से आपको अधिकारी तक है, ठीक है। ये आप चले जाइए SBBP में, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में, ये आप चले जाइए बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। अब ये रहा यूआर, ठीक है, यूआर के बाद अब फिर आप आइए ओबीसी में। ओबीसी में यदि 1 से 400 तक हैं, 800 तक हैं, 800 से यहाँ पर रैंक घटेगी, 1100 तक हैं, फिर 1100 से आप क्वालिफाइड तक हैं, ये ओबीसी की बात कर रहा हूँ। तो आप इसमें इसी प्रकार से सीएसए, एनडी, एसबीबीपी, बांदा भरिए। कैसे भरना है आपको, सीएसए, एनडीयूटी, SBBP, DUAT, ठीक है। अब SC कैटेगरी में आ जाइए, तो SC में देखिए, SC ST में काफ़ी वेरिएशन हो जाता है। SC में देखिए, ST में जो भी स्टूडेंट भरा होगा वो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको सीक्वेंस बता दूंगा, या फिर आप हमारे टीम से संपर्क करिएगा। ये मोबाइल नंबर है 9026 97 48 41, यहाँ पर आप पर्सनल काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर व्हाट्सअप करिएगा और काउंसलिंग आपका पूरा सफलतापूर्वक करा दिया जाएगा, सीट सुनिश्चित करा दिया जाएगा। इससे में यदि हैं आप 500 तक हैं, इससे में जाइए 1000 तक हैं, एनडीए में जाइए 1500 तक हैं तो मेरठ में जाइए, 1500 से प्लस में आप क्वालिफाइड तक हैं तो आप बांदा में चले जाइए। अब बाकी ST में कह दूँ तो ST में जो क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड तक हैं तो आप ST में बिल्कुल आप पार्टिसिपेट करिए ST कैटेगरी में। अब बाकी PW वाले हैं, क्वालिफाइड हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, जो भी कोटा स्पोर्ट पर्सन हैं, जो भी हैं, यदि आप क्वालिफाइड हैं तब आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, नॉट क्वालिफाइड वाले काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। नॉट क्वालिफाइड वाले काउंसलिंग के लिए इसमें एलिजिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उनका 15% भी मतलब क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट नहीं कर पाया, क्या मतलब 30 क्वेश्चन आपका सही नहीं हुआ है ऑल ओवर 200 क्वेश्चन में,
का मतलब आप कुछ नहीं आता है, नॉट क्वालिफाइड, इसीलिए ठीक है आप अगले साल बेस्ट तैयारी कीजिए, ग्यारह की तैयारी करिए, या फिर आप कुएं का मेढक बन करके प्राइवेट में एडमिशन लेकर घूमते रहिए। यूनिवर्सिटी का माहौल अलग होता है, मज़ा ही अलग होता है। जब प्रोफेशन जाने के बाद यूनिवर्सिटी में थोड़ी थिंकिंग बदलती है, नहीं तो फिर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी तैयारी करना चाहते हैं किसी भी जॉब के लिए, एफओ का या फिर यूपी कैडेट का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, या फिर आपका सीटीए की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप किसी अन्य एंट्रेंस एमएससी एजी एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा, आपको बेहतरीन से बेहतरीन सिलेक्शन दिलाने की गारंटी हमारी रहेगी, ठीक है। बाकी काउंसलिंग वाले जो स्टूडेंट हैं आप अपना डॉक्यूमेंट हमको भेज दीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी काउंसलिंग अपने टीम से करा देंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक सिग्नेचर करके भेज देना, ठीक है। बाकी सारा काम आपको प्रिंट कराना है वो हमारी टीम कराएगी, जो भी खर्चा होगा आपका टीम करा कर आपको कराएगी। चलिए तो बस आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। एमएससी वाले आप लोग सोच रहे हैं, अब आपके लिए वीडियो मैंने बना दिया, नंबर भी आपको दे दिया, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।